मध्य प्रदेश के रीवा की ओर ले चलते, जहां रीवा कलेक्टर ने रात 10 बजे के बाद कोलाहल पर यानी तेज ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब रात्रि 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे व लाउड स्पीकर। आदेश प्रभावी। आपको बता दें कि अगले मार्च माह से स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में छात्रों को पढ़ाई में कोई व्यवधान पैदा ना हो, रीवा कलेक्टर द्वारा ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके लिए मध्य प्रदेश से क्राइम रिपोर्टर पटाखे फूट रहे हैं। और अब देखिए बड़े शहरों में आजकल जो है, आप दिल्ली जाइए आपको 10 बजे के बाद आपको है कहीं कोई डीजे बजता हुआ मिल जाए, कोई स्पीकर बजता हुआ मिल जाए, आप गुड़गांव चले जाइए, इवन इंदौर आप चले जाइए। इंदौर के नागरिक तो अलग ही हैं बिल्कुल। मैंने इंदौर आप जाओ तो आपको एकदम दूसरा ऐसा लगता है दूसरे देश में आ गए, ऐसा माहौल होता है। इतना आपके द्वारा आदेश दिया गया था कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसे रोका जाए 10 बजे के बाद, फिर भी मतलब कई जगह देखा गया 11 बजे तक बजता रहा। कल ही मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत आदेश जारी किए गए, जिसमें कि रात्रि 10 बजे के बाद बच्चों की जो परीक्षाएं हो रही हैं इसको मद्देनजर रखते हुए लाउड स्पीकर वगैरह बजाने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया है। रात में ही कल पुलिस अधीक्षक द्वारा भी निर्देश जारी किए गए और रात्रि में जितने भी थाना प्रभारी हैं शहर के तहसीलदार के साथ लोग रात्रि भ्रमण करते रहे और जहाँ जहाँ स्पीकर बजते पाए गए उनको बंद कराया गया, वार्निंग दी गई और डीजे भी और डीजे स्पीकर के बिल्कुल कठोर कार्रवाई करने के इसमें निर्देश है। कल कुछ जब्ती भी इसमें हुई है।